देहरादून में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने कहा कि जैव विविधता में क्षेत्र में हमें व्यवहारिकता की आवश्यकता है, जिसमें संकट उत्पन्न प्रजातियों को बचाने के साथ साथ हर्बल फार्मिंग को बढ़ावा देकर किसानों की आजीविका बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटियों को संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य भी किया जाए। बता दें कि आए दिन जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके बचाव के लिए फेंसिंग की सुविधा और किसानों को स्ट्रीट लाइट ग्रास कटर उपलब्ध कराया जाए, सीडीएस सीड्स और हर्बल नर्सरी को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही मंत्री सुबोध ने अधिकारियों को वन पंचायतों के माध्यम से जनमानस को आजीविका से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। समीक्षा बैठक मैंने ली, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी के अलावा मेरे एडवाइजर भी इस मीटिंग में थे, और एक बाय द अवस्थी बोर्ड के द्वारा एक अपना